राइट साइड है, राइट साइड है, राइट साइड है। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक बड़ा न्यू बजबी की गेम प्ले वीडियो में, जहाँ पे देखेंगे पेन का असली इस्तेमाल, पेन को इस्तेमाल कैसे किया जाए, और साथ ही साथ कैंपिंग। अरे अरे भैया, जो ही कैंपिंग है, अरे जो ही कैंपिंग होती है, पूछो ना। फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे आ रहा है नोवा पे, गन गुन मेरे को ठीक ठाक मिल चुकी है। ये देखो ये M4 और बैरल, अरे सारी गन पहले मिल गई, और क्या चाहिए जिंदगी में, बंदे मिल जाए। ये लो बंदे भी मिल गए, डैमेज दिया उसको। और यहाँ पे आगे एक और, ये जहाँ पे मैंने फायर दिया वहाँ पे एक और बैठा पड़ा था। पहले तो बना दी इसकी फूल पेटी बेहतरीन, अभी दूसरे की बारी। ये यहाँ पे देखो M16 से इसने मेरी ऐसी तैसी करी दी थी, हेल्थ की ऐसी तैसी हो चुकी थी, लेकिन मैंने पेली दिया, अरे बैरल थी, अरे असल में मेरे पे वेस्ट ना पड़ी थी, हाँ इसलिए अभी मिली वेस्ट मेरे को। खैर वो सबा इसके साथ दो किल करके देखो, मेरे को लगा ठीक है भैया मामला हो लिया खाली, मैं अपनी मस्ती करते हुए यहाँ चल दिया। देखो ये स्टन लिया और स्टन यहीं पर पटक गया। बताओ यहाँ पे पता ही नहीं बंदे हैं, और बाद में पता चलता है कि बंदे बैठे हैं आगे से, बहुत हल्के से, बिल्कुल ना के बराबर फुट स्टेप आए थे बंदे थे यहीं पे। अब देखो इनको पकड़ेंगे चाल चल के, हमारे भाई गाड़ी चलाएंगे, और मैं यहीं पे बैठा हूँ कैंप करके। लेकिन उससे पहले कोटा शॉप लाया है आप लोगों के लिए काफी कमाल के ऑफर। अगर आप लोग मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कोटा शॉप पे जाते हो और उसी परचेज करते हो और पेमेंट करते हो पेटीएम वॉलेट से, तो आपको मिलेगा 5% का अशॉर्ट कैशबैक। ये ऑफर वैलिड है 30 जून तक, तो भैया देखो टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से कैशबैक ले लो। लिंक डिस्क्रिप्शन होगी कोड़ा शॉप की। और अगर आपको नहीं पता यूसी कैसे परचेस करते हैं, अरे ये क्या बात हो गई, मैं बताता है, मैं बताऊंगा, रुको। लिंक यूज करके कोड़ा शॉप ओपन करो, उसके बाद BGMI सिलेक्ट करो, वहां पे अपनी कैरेक्टर आईडी डालो और सिलेक्ट करो आपको कितने का रिचार्ज करना है, उसके बाद कौन से वॉलेट से आपको रिचार्ज करना है वो सिलेक्ट करो। आगे जाने के बाद अपनी सारी डिटेल्स कंफर्म कर दो, पेमेंट कर दो, उसके बाद यूसी उसी सेकंड आपके अकाउंट पे आ जाएगी। और कोड़ा शॉप के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप इन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब पे भी कोड़ा शॉप पे, आप वहां पे भी इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और मैं यहीं पे बैठा हूँ कैंप करके, जैसे कोई दिखेगा फटका दूंगा। ये लैब और यहाँ पे एक बंदा, वॉल पे भी कोई होता है तो उसको भी लपेटेंगे, टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल भी जाएंगे। अब ये नॉक बंदे को डैमेज दे दिया बहुत, पढ़ाई से भी, और आखिरकार इसको भी दे दिया है नॉक। और ये डाल दी इस बेशरम की पेटी, 6 किल हो चुके हैं। देख रहे हो ये 6 किल तो वैसे बहुत पेल के हुए, लेकिन ठीक ठाक किल हो चुके थे, बहुत ही बेहतरीन। कह दीजिए के साथ देखो यहाँ से ये दो छुपे रुस्तम कैंपरों को पेल के हम लोग चल देते हैं आगे, जिंदगी में आगे चलना पड़ेगा, यहाँ पे कैंपर भी मिलेंगे। अरे भैया वो तो कैंपिंग अपार्टमेंट पे आजकल ऐसी कैंपिंग लगाते बंदे, पूछो ना। वो होता है ना मेडी की ट्रक दी, उसके पीछे लेट गए, उसके बाद कैंपिंग, अरे बिल्कुल वैसा ही हाल था, बुरा हाल था। देखो के पंगे होने वाले हैं। फिलहाल के देखो अपार्टमेंट जाने वाला था, ये दिखती है गड्डी, गाड़ी दिख चुकी है, दो बंदों वाली गाड़ी, क्या पता दो बंदे भी मिल जाए। यही सोच में मैं उतर गया, और मिल जाते हैं ठीक दो ही बंदे। और यहाँ पे देखो एक बंदा आ चुका है इसी घर के अंदर, बिल्कुल सात सीढ़ी के ऊपर चढ़ के बैठा है, देखना पड़ेगा क्या मामला है, ज्यादा भी हो सकता है। देखो अभी तो हमको बस गाड़ी दिखी है, क्या पता दो बंदे और बैठे हो बगैर गाड़ी के, चार बंदे भी हो सकते हैं, कोई भरोसा ना इनका। ये देखो इसे ढीट को, रुको जरा एक सेकंड, ये ले ढीट तेरी पेटी भरेगी, अभी रुक जा। गोल्डन कपड़े पहन के बेशर्मी से लेटा पड़ा गया, इसका आता है टीममेट, और इसका टीममेट तो भगते भगते पेला जा रहा है। भैया गलत जगह से रस कर रहे हो, ऐसे ओपन से भागते हुए इतनी चौड़ में ऐसे तो रास्ता किया करो, अरे डर लग जाता है मेरे को, ऐसा रास्ता किया करो। कह रही के साथ 8 किल हो चुके हैं, अब चल दिया अब असली कैंपिंग पे, असली कैंपिंग। अरे भाई मजाक से हट के कि पेटी डालने वाली हम में से, क्या मेरी पेटी डलेगी? ठीक है मेरी तो नहीं डलेगी, नहीं तो वीडियो ना डलती। खैर वो सब हटाओ, ये चल दिया हम लोग यहाँ से, मैं फुल मस्ती कर रहा होता हूँ अंदर बाहर करके, और ये दिखा कुछ। अब यहाँ पे देखो छत पे वो खड़ा है, ये देखते ही मैं समझ गया था मामला होगा गंभीर, कैंपिंग होगी गंभीर,
नहीं, मजाक में लेने का, पहले वो अभी कोई आया भी नहीं है इस बिल्डिंग में, वो छत पे चढ़ा बैठा है पहले से ही। अब सोचो किस लेवल पे कैंपिंग कर रहे होंगे ये ढीठ बंदे, किस लेवल पे। खैर अभी देखो, एक एक करके हम पहले सारे कमरे चेक कर लेते हैं, उसके बाद नेटबाजी करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा था यहाँ से डाल दूँ, फिर मैंने सोचा पहले यहाँ से डालते हैं, पहले ये जो कैंपर यहाँ पे है इनको लपेटा जाए। ये डाला, नॉली डाल रखी अब नेट से तो कद्दू कुछ ना उखड़ा, ऊपर से इसने आग डाल रखी है, तो भैया ये गलत मामला हो गया। अब ये देखो फुट स्टेप मैप में देखो पूरा राइट की तरफ से। मैंने बोला चलो वो ही ट्राई कर लेते हैं, यहाँ से नेट डालने का ही ट्राई कर लेते हैं। रुको जरा, एक यहाँ से नेट ले लेता हूँ अपने टीममेट से, बहुत बेहतरीन। अब डालेंगे यहाँ से नेट एकदम यहाँ पे टप्पा खिला के, क्या कोई फटेगा इस नेट से, आ जाओ। बहुत ही बेहतरीन, एक बंदा आ चुका है चपेटे में। मैंने बोला एक आ है, क्या पता दूसरा आ जाए। ये डाला एक और नेट, ये ले नेट का, ये भी फटे और इससे कद्दू कुछ ना उखड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, देखो रस तो हम लोग करने ही वाले हैं। हम लोग पहले जाते हैं लेफ्ट पे, पता नहीं क्यों लेफ्ट गए, लेफ्ट जाना सही था वैसे। और हमारे भाई नौ को गए। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक बंदा है, जाके पेल के आता हूँ। लेकिन इसको देखो, देख रहे हो ये होती है कैंपिंग, इनकी और अपने टीममेट की पूरी पेटी डाल दी इनने। अब देखो कैंपिंग होती है यहाँ पे तीन तरफा, एक बंदा बैठता है बिल्कुल सीधी जगह पे, एक बंदा यहाँ जहाँ पे लूट रहा हूँ, और एक बंदा वहां जहाँ पे दो पेटी बनी है। देख रहे हो ये फुल कैंपिंग होती है, अगर चार बंदे हो तो चौथा बंदा होता है दूसरी तरफ राइट की तरफ बिल्कुल, ताकि वो भी धप्पा दे सके। अरे बहुत ज्यादा डीट है, एक बार में से भी इसी कैंपिंग से ठिल भी गया था। अरे मामला गलत है, एक काम करूंगा जिस जगह पे मैं ठिला था एक बार सेम इसी जगह से, वो क्लिप डाल देंगे आगे पे। फिलहाल के लिए देखो ये आग उग लेके मैं आ गया रस कर दे। असल में फ्लेयर चली थी, तो फ्लेयर के मालिक बैठे इधर पे, मालिक से जरा बातचीत करके आता हूँ ये बात। अब ये फ्लेयर के मालिक तो यह घर छोड़ के भग लिए दीवारों पे। अरे मालिक ऐसे कैसे चलेगा, मैं कैसे पेटी डालूंगा। खैर रुको जरा ऊपर चढ़ा जाए, ये तो यही बैठा मालिक। ये ले, शायद से इसके पीछे ओम टंगी थी, रुको देखेंगे, पहले पेलेंगे दूसरे मालिक को। ये ले और कर रस गेम प्ले करेंगे यहाँ पे, पहले ये बाहर भाग गया उसके बाद रस गेम प्ले करना है। अभी देखो इसकी पेटी देखता हूँ क्या है। हाँ ये देखो AWM पड़ी है भाई पे, फुल लूट के बैठे हैं। खैर कोई बात नहीं, 16 किलो चुके हैं, मामला ठीक ठाक था। अब देखो फ्लेयर चली थी, और जैसे हम लोग आए फ्लेयर पे धावा बोलने के लिए, वैसे ही कुछ और लोग आ जाते हैं फ्लेयर पे धावा बोलने के लिए। अरे परेशान कर देते हैं ये आके बैठ चुके हैं पहाड़ वगैरह की साइड पे। मैं देख रहा हूँ कि भैया एंगल मिल जाए, एक एंगल मिल जाए, मैं भी जरा फटका मारूं इनके, मैं भी आगे बढ़ूं जिंदगी में। अरे मेरे कद्दू का एंगल मेरे पे मिल जाएगा इनको, अभी देखते जाओ। या मैं यहाँ छत पे, जो कि गलती है, ये करा एक नॉक। और मजाक सेट के यहाँ पे उसकी गन जो भी चला रहा था वो रिलोड पे चली गई, नहीं तो पेटी बनना 100% तय था, 100%। अरे ढीठ बंदा, मैं सोच रहा था लेट के बच जाऊंगा, अरे मेरे कद्दू का वो बहुत गलत एंगल पे था। खैर कोई बात नहीं, एक मैंने भी नॉक किया था, मैं तो बच गया। डैमेज देने की कोशिश करेंगे, भागा वो, इसको भी ठीक ही ठाक डैमेज दे दिया। अब देखो जरा हील कर लो, क्योंकि आ रहा है जोन, ये देगा डंडा पीछे, गलती हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। मैंने किया फट फट हील। अब देखो यहाँ पे जितना डैमेज दिया ना, आप किल फीड पे ध्यान देना, किल फीड देखते रहो, कोई ना कोई पक्का नॉक होगा प्ले जोन से। रुको जरा मैं भी अपनी गाड़ी के लिए भगना चालू करता हूँ, ये रखिए अपनी गाड़ी, यहाँ से बैठ के सीधा रस करेंगे उन पे। और ये देखो ओपी रुपेश भाई नॉक हो चुके हैं, ये देख रहे हो ये वही बंदा है ये जो उनके बाहर नॉक हुआ। अब यहाँ से हमको लगा था ये भाग गए होंगे अंदर पे, लेकिन नहीं, ये बाहर ही बैठे पड़े हैं और ये छोड़ के भाग गए। और बहुत ही तगड़ा एक और नॉक निकाल लिया, बेहतरीन एक बंदा, बाकी है उसके पीछे पेलेंगे पेलेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ऐसा सोचा था मैंने।
लेकिन भैया ये जो डैमेज देता है मेरे को, अरे खतरनाक, बिल्कुल बैरल चलाता है। और देखो ये ओपी रुपेश भी टिल गया, इन्हीं की टीम का था ये ढीठ बंदे, उसको जो उनके बाहर फेंक के आगे उड़ने वाला है। बेटा तू जा, तू नौकरी रे बाहर, मैं जाता हूँ उधर से, भाग गए सारे के सारे। खैर कोई बात नहीं, देखो मेरे को अपनी दो ही किल मिली है, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये चीज़ देखो, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, गाड़ी ठुकी है मैंने, हॉर्न बजाया इधर पे, हॉर्न ब्लो कर दिया था मैंने इधर पे, लेकिन कोई कुछ नहीं, ना गोली चली, गोली तो बहुत दूर की बात है, पावर ना हिले, फुटी स्टेप ना आए, सांस लेने की आवाज़ ना आई। मैंने बोला ठीक है, कोई नहीं होगा, मैं वापस से निकलने वाला था इधर से, लेकिन उतने में ही ये, और ये देखो ये पता नहीं पहले लेट के बैठा हुआ सांस दबा के, दूसरी बार जब हम सामने से ऐसे लगा ये हमें मार देगा, ये देगा सप्रे और दोनों को निपटा दे। आ रहे कद्दू का सप्रे, किसी को डैमेज भी नहीं पड़ा, शायद से पड़ा क्या पता नहीं मेरे को। यहाँ पे पता चलता है दूर पहाड़ पे भी कोई बंदा है, उसे भी लपेटेंगे, पहले जरा इसे तो लपेट लूँ। ये डाली आग, पक्का चलेगा पक्का। और देख रहे हो भाई, कहते हैं अपने पीछे आग लेके रस कर रहे हैं, मतलब बंदे पे आग थी रस करने की, इसके पीछे आग लगी थी रस करने की, देख रहे हो, मतलब मजाक सट के सही में आग लग रखी थी। अब यहाँ पे कुछ साफ दिखते मेरे को, शॉर्ट में कर देता हूँ मैं, बहुत ही बेहतरीन। ये बंदे ना, कुछ बंदे बिल्कुल आखिरी सेकंड मिलते हैं, बिल्कुल जब गोली निकल जाए गन से, तब मिल जाते हैं ढीठ बंदे, पहले लेटे रहेंगे जिंदगी भर, लेकिन जैसे ही गन से गोली बाहर निकली ये हिल जाते हैं बिल्कुल ही। खैर कोई बात नहीं, ये सस्ती स्नाइपिंग के बहाने मैंने दे दिए, ये पहुंचा भाई, इसकी पेड़ डाल दे, आप कहा हिलेगा, ये रुको जरा, ये ले नंगू बैरल चलाएगा नंगा आदमी, इसको पेलेंगे इसका टीममेट। अब इसका टीममेट पता नहीं क्या ही कर रहा होता है उधर पे, ये यहाँ लेटा था वो वहां लेटा होगा। अरे दोनों ये क्या कहते हैं, संभाल के बैठे थे, ये पहाड़ी इनकी थी, अरे हल्के भी नहीं लेने का, इनकी पहाड़ी थी ये। देख रहे हो एक बंदा दूसरे कोने पे, दूसरा दूसरे कोने पे, पहाड़ी जकड़ के बैठे हैं। खैर वाटा देखो यहाँ पे बात हो, दूर से ग्लिच से मेरे को एक बंदा दिख गया था, लेकिन जब अब इधर आए हमेशा की तरह 0 फुट स्टेप, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो हाँ यहाँ पे मैं ढूंढना चालू करता हूँ और आखिरकार मिल ही जाता है, ये बैठा है इस घर के अंदर। ये देखिए इसका, ये देखो क्या सांप बना है, बेहतरीन सांप है, बिल्कुल ही बिल्कुल बढ़िया प्रजाति का लग रहा है मेरे को। रुको जरा इसके पीछे ये डालता हूँ पैन। अब पता नहीं मेरे को बॉडी शॉट लगा कि नहीं इस पैन से, लेकिन हाँ सांप को जगा दिया है मैंने ये चीज करके, बहुत गलत हो सकता है ये। AW मारने की कोशिश की, सांप बच गया। और ये देखो कैसे, ये देखो इसको बिल्कुल, अरे उजी है, क्लोज रेंज है भाई, क्लोज रेंज का बंदा है वो, उजी है हल्के में नहीं लेने का। तो इसको पेलने के लिए मेरी फट गई थी यहाँ से, तो मैं IQ ट्रिक करने बाहर गया था, लेकिन कोई जगह ही नहीं थी जहाँ से मैं इस दीवार पर चिपक जाऊँ। तो देखो मैं बोलता हूँ कि यार इतना प्रो बंदा है, थोड़ा हीलिंग फेंक दिया जाए, ये लीजिए आपके लिए हील, ये रहे बैंडेज, पहले अपने पीछे ले लगा बैंडेज, बैंडेज देख रहा था क्या दे रहा था। और देखो ये पैर मिलता है, मैं करता हूँ ऊँट हरकत, ये देखो ये है पैन का असली इस्तेमाल, देख रहे हो बिल्कुल हेड के लिए एम करता है वो, लेकिन क्योंकि सर पे मेरे पैन लगाए तो एक आध गोली पैन पे लग जाती है। अब देखो ये ढीठ हरकत करने से मैं अभी बाज ना आया थोड़ा, और ये देखो कहाँ नेट कर रहा है, भागो इसने तो नेट कर दिया, मैं भाग जाता हूँ नेट से, और नेट तो बेहतरीन था, लेकिन देखो मैं अपनी ढिटाई पे वापिस आ जाता हूँ फिर से। ये देख रहे हो मजाक से हटके काफी सारी गोली लग रही है, असल में लग रही है, लेकिन उसके बाद इस बंदे को कुछ ज्यादा ही जोश आ जाता है रश गेम प्ले करने का। बेटा कहाँ पे रश गेम प्ले कर रहा है, जाके तुझे कैंपिंग लगानी चाहिए थी, रश गेम प्ले करेंगे यहाँ पे। और देखो इसके टाइम पास करने के चक्कर में किल फीड देखो, बाकी बंदे पिट गए इसके चक्कर में, ये ले पेटी का, डलती क्यों नहीं पेटी इसकी। अब यहाँ पे देखो आगे से फिर AWM चलती है, उसने पेटी डाल दी, एलेक्स बाप नामक किसी को इसने पेल दिया। अरे ये क्या है, ये बापों की पेटी डाल रहा है भाई, मेरी पेटी डाल के दिखाए, अरे मेरी पेटी डाल के दिखाए फिर मैं कुछ मारूं। खैर वाटा जाना पड़ेगा रश करने के लिए, यहाँ से बैठ के कद्दू कुछ ना होगा। तो हाँ ये जो भी AWM चला रहा है उसे लपेटा में लेने के लिए हम लोग चल दिए। देखो गाड़ी तैयार है, काली गाड़ी, टेंशन ना है, चल दिए हम रस करने। अभी देखते हैं किधर पे बैठा है, लेटा है, कहाँ से स्नाइपिंग कर रहा है। और ये देखो इस ढीठ बेशरम को लेटा पड़ा है, ये कर रहा था स्नाइपिंग, यही था ना शायद, हाँ यही था शायद, ये करेंगे स्नाइपिंग, पता नहीं कहाँ पे इसने स्नाइपर पेले हैं,
अरे खतरनाक बंदा था भाई। खैर वो सब बताओ, यहाँ से देखो मैं निकलने वाला था लेकिन उतने में ही कोई हम पे स्नाइपिंग कर रहा है। मैंने बोला ऐसे ऐसे कैसे मामला चलेगा भाई, ये देखो किसी ने गोली चलाई, बॉडी शॉट लग जाता। अरे ऐसी तैसी, और इसके बाद ये बच के भाग गया। देखो 1 HP बचा है वो बंदा, और हमारे भाई यहाँ पे एक गोली चला के किल ले जाते हैं। अरे ये कैसे काम चलेगा ऐसे, मेरे सिर्फ 23 किले, अरे भगवान ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। एक गोली चला के मेरा टीममेट किल ले गया। अरे ये तो गलत मामला हो गया भाई, मेरे को डैमेज देना ही नहीं चाहिए था, गलती हो गई। बताओ यहाँ पे बॉडी शॉट पहनने पे सजा मिल रही है। खैर कोई बात नहीं, देखो आखिरी बतना बाकी है, इस ढीठ बेशरम को ढूंढेंगे और वो कैंपिंग भी दिखाऊंगा। देखो ये जो कैंपिंग थी अपार्टमेंट पे, इस बार हम बच गए, एक बार ऐसा दिखाएंगे जिस बार मैं ठिल जाऊँ। अगर मेरे पे वो क्लिप बची हो, डिलीट ना की हो, तो डिलीट ना की हो तो पक्का दिखाएंगे। फिलहाल के लिए देखो यहीं पे मैं ढूंढ रहा होता हूँ उसे, और ये रखा। भाई हेलो, और इसका गन कॉम्बो देख के आप हैरान हो जाओगे। देखो एक तो इस पे 22 योन थी, और दूसरी गन देखेंगे ये 22 योन और AWM, खतरनाक खतरनाक जहरीले बंदे, 22 योन सांप बनने के लिए और AWM लॉन्ग रेंज हमला करने के लिए सांप बन के, बहुत ही बेहतरीन। अब जाके मैं ढूंढता, वो क्लिप होगी तो यहाँ पे मैं लगा देगा। देखना कैसे कैंपिंग हुई थी, बिल्कुल पता ही नहीं था, ऊपर तीन तीन चार चार बंदे। देखना अगर क्लिप होगी, रुको जाके ढूंढता हूँ, होगी तो अभी अभी प्ले कर देगा। मैं इधर राइट 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 राइट